दिल्ली की जो हालात है, जो गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार भी है उसमें भी कहीं ना कहीं निराश किया है। कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक रोष भी रहा है। स्पष्ट बहुमत रहेगा चाहे किसी की भी कुछ भी हो। जनता जो है वो इस चुनाव को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। रोडों की कंडीशन हुई है, पॉल्यूशन का इफेक्टेड हुआ, कई मुद्दे हुए, यमुना का मुद्दा हुआ, अगर वो सब मुद्दे अगर देखा जाए ध्यान में तो वो सब भी ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। लोग वादे कुछ और करते हैं और जो पूरे नहीं होते हैं। तो दिल्ली जनता ने गिव अप कर दिया है कि वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल ने भी करे थे, मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, बना कुछ भी नहीं, बना तो कुछ भी नहीं, आपके सामने हम भी आए हैं। पिछली सरकार ने भी बोला था कि हम साफ सफाई करवाएंगे, यहाँ पे अच्छे से बैठने की जगह बनेगी, सारा कुछ होगा, मगर यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जैसी थी उससे भी बुरे हालात हो चुके हैं। दिल्ली में बीते दिन यानी कि 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हुए। आपको बता दें लोगों ने 250 वार्डों पर अब की बार अपना मतदान किया है। 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो ऐसे में हम लोग दिल्ली की जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ 50% मतदान दिल्ली में देखने को मिला। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि दिल्ली की जनता अब की बार मतदान करने अपने घरों से बाहर नहीं निकली, साथ ही जनता ने किन मुद्दों पर अब की बार मतदान किया है। सर, जैसा कि देखने में आया कि नगर निगम चुनावों को लेकर जनता बाहर नहीं निकली है, सिर्फ 50% मतदान हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि मतदान कम होने की वजह क्या रही? देखिए, जनता जो है वो इस चुनाव को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। जब देश की बात आती है, एमपी के चुनाव की बात आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव की बात आती है या विधानसभा की बात आती है, तो जनता एक सजग होती है कि नहीं, हमें जो है वो सरकार बनानी है या देश के लिए हमें चुनाव करना है, तो हर कोई जो है ये चाहता है कि हम एक अच्छी सरकार बना के भेजें। लेकिन दिल्ली नगर निगम को लेकर के वो इतनी सीरियस नहीं होती है, वो इन मुद्दों को मतलब गंभीरता से उसे लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं इसी से देश का आगे का भविष्य होता है, आपकी क्षेत्र का विकास होता है। क्षेत्र का विकास तो MCD से ही होता है, नालियाँ हैं या सीवरेज हैं, सफाई है, वो काम तो MCD करती है, उसको लेके जनता को सजग होना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजहें रही होंगी कि लोग घरों से कम बाहर निकले? बीते 2 बार से कम मतदान हुआ आपकी बार, तो आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही होगी? देखिए, कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक रोष भी रहा है और दूसरी एक दिल्ली की जो हालात है, जो गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार भी है उसमें भी कहीं ना कहीं निराश किया है, तो जिसकी वजह से वो समझ रही है कुछ पब्लिक की वोट ना करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस वजह से ही एक मतदान जो है थोड़ा कम इफेक्टिव हुआ है। और 50% भी जिन लोगों ने वोट किया है, आपको क्या लगता होगा कि कौन से मुद्दे ऐसे रहे होंगे जिनको लेकर दिल्ली वालों ने अब की बार मतदान किया? मुद्दे तो वही है, डेवलपमेंट और जो नाली कूड़े और पोल्यूशन मेन इफेक्टेड है, वही है मुद्दे है। मतलब यही है कि साफ सफाई, पोल्यूशन, इन्हीं सारे बेसिक मुद्दों को लेकर जनता ने अब की बार मतदान किया होगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि 250 वार्डों पर अब की बार चुनाव हुआ है MCD के एकीकरण के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली, क्योंकि आप भी जानते हैं 15 सालों से BJP MCD में है, तो क्या जनता अब की बार किसी और विकल्प की ओर देखेगी कि आप BJP के साथ दोबारा से जनता एक बार फिर जाना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज अगर ध्यान दीजिएगा तो वोटिंग कम हुआ, इसका मतलब दूसरी पार्टियों का वोटर नहीं निकला जा, और अगर देखिएगा तो भाजपा का वोटर कहीं ना कहीं निकला, पहले भी यही हुआ, जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हो वहाँ पर दूसरी पार्टियों से नाराजगी ज़्यादा हुई है। अभी रिसेंटली में दिल्ली सरकार में आपकी सरकार है, वहाँ पर रोडों की कंडीशन हुई है, पॉल्यूशन का इफेक्टेड हुआ, कई मुद्दे हुए, यमुना का मुद्दा हुआ, अगर वो सब मुद्दे अगर देखा जाए ध्यान में तो वो सब भी ज़्यादा इफेक्टेड किया है, तो एक तरह से क्या कहते हैं पब्लिक उसी को निराश करते हुए सोच रही है कि हमने जिस सोच के साथ दूसरी पार्टी को दिल्ली सरकार में लाया
वो कहीं ना कहीं हम नहीं देख पा रहे हैं। जनता उस तरीके से, आपका कहना एक तरीके से ये है कि जनता जिस तरीके से बीजेपी 15 सालों से है एमसीडी में, जनता एक बार और उनकी तरफ देखना चाहेगी, एक बार और भरोसा जताना चाहेगी। जिस हिसाब से वोटिंग हुआ उस हिसाब से बोल सकते हैं। और बाकी ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जगह जगह दिल्ली सरकार के लोग कामों को भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक बार देखने में ये आ सकता है कि आपको क्या लगता है कि बहुमत अब की बार क्लियर होगा कि बीजेपी की तरफ बहुमत जा रहा है, या अब की बार बहुमत 50-50 रह सकता है? नहीं, ये तो गलती नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक समझती है कि बीच में अटकेगा तो प्रॉब्लम पब्लिक को ही उल्टा होना है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट बहुमत रहेगा चाहे किसी की भी कुछ भी हो, पर हाँ ये है मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है कि मार्जिन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा फासले ना हो, बट ये है मेजोरिटी में एक गवर्नमेंट रहेगी। ट्रू एंड आई एम कम्प्लीटली एग्री विद दिस। इट्स नॉट अबाउट दी अवेयरनेस और एजुकेशन, ये मतलब नॉर्मली अगर आप देखो तो लोग जो बैठक वगैरह करते हैं आई डोंट थिंक सो कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बट स्टिल उनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल्स, मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो चुका है लोगों का कि वोट और यही सब चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही वोट डाल सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इनपुट कैसा आ रहा है, दैट्स इट। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब पर्सनली आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई हेट पॉलिटिक्स, तो ऐसा मतलब मैं अभी तक वोट नहीं डालती हूं। अकॉर्डिंग टू यू, एक तरीके से लोग इन सारी पॉलिटिक्स से फेड अप हो गए कि जिस तरीके से पार्टियां आती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ वैसे ही दुनिया भर के वादे होते हैं, पर वही होता है कि हां, यू जस्ट हैव अ लुक इन आवर पास्ट, मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर फेसिंग, कि मतलब लोग वादे कुछ और करते हैं और जो पूरे नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है और सारे वादे भी पूरे नहीं हो सकते हैं, बट ये People are fed up now that ये सब चलता रहेगा and it's not a big deal. जो 50% voters अब की बार बाहर निकले भी हैं, तो आपके according क्या लगता है कि उन लोगों ने किन मुद्दों को लेकर अब की बार vote किया होगा? मुद्दे always ही same रहते हैं। Everybody would like to like change in their life, ये थोड़ा बहुत change आए हमारे, मतलब जो भी चीज़ें हैं हर इंसान चाहता है कि life में changes आए, बट पास से हम देखते आ रहे हैं जैसे 100% से अभी हम 50% पे आ चुके हैं। इज दिस दी ओनली रीज़न? और हो सकता है ये और भी रेटिंग कम जाए अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जैसे कि आप देख सकते हो हर 5 साल में इलेक्शन होते रहते हैं, कुछ समय बाद बाद इलेक्शन चल रहे हैं, मगर जो वादा सर हर सरकार आके करती है कि हम ये करेंगे, सफाई करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ भी करते नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। पिछली सरकार ने भी बोला था कि हम साफ़ सफाई करवाएंगे, यहाँ पे अच्छे से बैठने की जगह बनेगी, सारा कुछ होगा, मगर यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी जैसी थी उससे भी बुरे हालात हो चुके हैं। जब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि लोगों का ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले? जैसे क्या आप क्या पूछ रहे हैं कि वोट देने क्यों नहीं गए? अब उन्होंने ही गिव अप कर दिया है, हमारी जनता ने, मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली जनता ने गिव अप कर दिया है कि जैसे कैसे काटना तो हमने ऐसे ही है टाइम, कोई भी आ जाए। अब केजरीवाल जी ने जैसे कह रहे थे कि आम इंसान है, आम इंसान है, वो तो 14 प्रो लेके बैठे हैं, ठीक है ना जी, 14 प्रो लेके बैठे हैं मीटिंग्स, वो अपना दिल्ली छोड़ के तो वहाँ गुजरात में हैं, आप भी देख पा रहे होंगे, हरभजन सिंह भी वो भी वहीं पे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। एक तरीके से जनता ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, लोगों को बस वादे करने हैं, लोगों को बड़े बड़े वादे करने हैं, पर करती कुछ नहीं है। एक तरीके से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक होता है हमारा एजुकेटेड वर्ग है, एजुकेटेड तबका है, तो वो लोग वोट डालने निकलते भी हैं घरों से बाहर की जाकर, बाकी तो लोग हैं जो नॉर्मल सिटीजन हैं, उनको तो यार मरता क्या ना करता, लोग वादे करते हैं, तो उसी झांसे में आकर नॉर्मल पीपल फिर भी एक बार वोट डालने के लिए निकल जाता है, पर क्या एजुकेटेड जो वर्ग है वो निकलता है घरों से बाहर? एजुकेटेड पीपल जाते हैं, मगर वही सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट ठीक ही नहीं है, जब कितनी बार केजरीवाल जी को 2 बार जिता चुके हैं यहाँ पे, मगर देख लो आप देख ही सकते हो इतने सालों से वो यहाँ पे है, कोई सफाई हुई नहीं है, गंदगी वैसे की वैसी है। मेरे को ये लगता है कि वो जैसे अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर मैं सपोज एक मिनट के लिए CM हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ मेरी गाड़ी यहाँ से जा रही है और मेरी नज़र इस गंद पे पड़ जाती है, कितना टाइम लगेगा बताओ? 1 हफ्ते के अंदर साफ है,
नहीं घास भी लग जाएगी अगर हमारे ये हमारी जेब से ही पैसा जाके टैक्स में जा रहा है और वो आगे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहीं पे तो है जनता उन्हें ही सुकून नहीं मिल रहा है। एक छुट्टी होती है हमारी, हम एक दिन छुट्टी में आगे तो हमें क्या मिल रहा है ऐसा। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा लास्ट में मेरा सवाल यही है कि क्या कहते हैं बीते 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में, तो जनता आपकी बार किसी विकल्प की और देखना चाहेगी कि 15 सालों से चलो एक ही पार्टी को देखते हो आगे की कोई विकल्प देखते हैं, या जनता उन्हीं पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी, बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताएगी? मुझे लगता है इस बार किसी दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा चेंज होने की, इस बार आशंका है क्योंकि केजरीवाल जी को काफ़ी मौके मिल चुके हैं 15 साल से जैसे वो लगे हुए हैं, तो हमें लगता है कि 5 साल किसी और सरकार को भी मौका मिलना चाहिए। वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल ने भी करे थे, मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, बना कुछ भी नहीं, बना तो कुछ भी नहीं, आपके सामने हम भी आए हैं जैसा पहले था उससे भी बुरा हाल। या तो झूठ ना बोले इंसान की, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाने कितनी बड़ी बात होती है, मैं आम इंसान रहूंगा। जब हमने लोगों से बात की तो ये देखने में आया कि कई लोग अपने कामों के चलते घरों से बाहर नहीं निकले, तो कई लोग सरकार के इन वादों से नाखुश हैं, तो कई लोग सरकार के इन वादों से एक तरीके से थक चुके हैं। कुछ ये वजहें रही जिसके चलते दिल्ली वाले अब की बार अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं वोटिंग करने के पीछे लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे रहे जिस पर लोगों ने अब की बार मतदान किया है।